Hi guys, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ 3 लीडिंग इंडस्ट्रीज़ की तरफ से इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है इन इंडस्ट्रीज़ के साथ, और ये MNCs हैं, इनके साथ काम करने पर आपका जो करियर है उसमें भी आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। तीनों इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ओपन है, एप्लीकेशंस ओपन है, किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। साथ साथ में क्या छोटी से छोटी डिटेल्स है इनसे रिलेटेड, क्या इनसे इनकी तरफ से आपके लिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निकाली गई है, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, सारी छोटी से छोटी डिटेल्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूँगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई विल रिक्वेस्ट यू जितनी जल्दी हो सके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं पहली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की तरफ। सो ये प्रोवाइड की जा रही है आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यहाँ पे इंटर्नशिप निकाली गई है UX डिज़ाइनर की। सो UX डिज़ाइनर, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, आपने की है UX डिज़ाइनिंग, देन देयर इज़ एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर यू बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपके लिए क्या क्या यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखी जाएंगी। जितने भी डिज़ाइनर्स हैं उन्हें यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका दिया जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी, चाहे वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड रिसर्च हो, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन हो, देन किस तरह से उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है अपने क्लाइंट्स तक, सारी A to Z आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में एक एक चीज़ें मेंशन करके रखी गई हैं। सो आपके लिए अच्छा मौका है, आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर सकते हैं, उनके क्लाइंट्स के साथ फर्दर काम कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशंस की अगर बात की जाए, सो बेसिक क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है। अगर आपने BTech की है, MTech की है, MS डिग्री की है कंप्यूटर साइंस में, विद मिनिमम CGPA ऑफ 6 और 60% अगर अपन परसेंटाइल में देखें तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी टूल्स या मेथड्स या कम्युनिकेशन उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट होती है, सो वो आपके अंदर होनी चाहिए। सो ये है, बहुत बेसिक सी डिटेल्स मांगी गई है व्हेन इट कम्स टू UX डिज़ाइनिंग। आपके लिए यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप एक्सपीरियंसड नहीं भी हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत बस आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, आप काम कर सकते हैं इनके साथ। सो ये है आपकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशंस ओपन है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। इनका एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, सो वो हम स्किप करेंगे। इनकेस अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी एप्लीकेशन फिल आउट करने में, देन डू लेट मी नो। बाकी दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ चलते हैं। सो सेकेंड अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है GE हेल्थ केयर की तरफ से। सो GE हेल्थ केयर एक लीडिंग हेल्थ केयर ब्रांड है, जिनमें आपको जो है हेल्थ केयर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स और इनकी तरफ से सर्विसेज लॉन्च की जाती है। आपका यहाँ पे काम रहेगा IT से रिलेटेड, आपका हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है। अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर इंटर्न में क्या क्या आपका काम रहेगा, सो इनके पास एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके लिए जिसमें आप काम कर सकते हैं। रहेंगे हेल्थ केयर से रिलेटेड ही, बट आपका काम टोटली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहेगा। आपके पास यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। अगर क्वालिफिकेशंस की बात की जाए, सो दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, अगर आपको नहीं भी आता तो आपको यहाँ पे सिखाया भी जाएगा। C++, लिनक्स से रिलेटेड, जावा को लिनक्स में कैसे यूज़ करते हैं, देन आपको एंगुलर का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज जो है वो मांगा गया है। सो ये स्किल्स आपके अंदर डिज़ायर्ड है। इसके अलावा बात की जाए क्या क्या आपकी जॉब रिलेटेड यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन बोली गई है। सो एज अ सॉफ्टवेयर इंटर्न आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जितने भी इनकी तरफ से कोई भी नई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च किए जाते हैं। सो उसमें किस तरह से आपका जो है वो कोडिंग से रिलेटेड या टेक्निकल रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आप ही फुलफ़िल करेंगे। इसके अलावा इनकी तरफ से अगर कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च किया जाता है कोडिंग से रिलेटेड छोटी से छोटी डिटेल्स आप ही यहाँ पे मैनेज करेंगे। सो ये है आपके पास सेकंड अपॉर्चुनिटी जो कि आपको जीई हेल्थ केयर की तरफ से मिल रही है। ये एक अच्छी एमएनसी है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर रिवॉर्ड्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है जो ग्लोबल लेवल पे प्रोवाइड की जाती है, वही आपको भी यहाँ पे जो है वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं इनकी तरफ से। सो ये है आपके पास सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो कि जीई हेल्थ केयर की तरफ से हमें निकल कर आ रही है। आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिट्स में एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको, ना सिर्फ सैलरी बल्कि आपको एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इनकी लोकेशन जैसे कि हमने देखा, इनकी लोकेशंस है बैंगलोर केस इफ़ यू वांट एनी रीलोकेशन असिस्टेंस तो वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। सेकेंड है हमारी ये अपॉर्चुनिटी। चलते हैं थर्ड अपॉर्चुनिटी की तरफ जो कि इंटेल की तरफ से आपको निकल कर आ रही है। ये थर्ड और लास्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। यहाँ पे आपके पास जो है वो एसओसी वैलिडेशन इंटर्नशिप निकल कर आ रही है। ये बेसिकली होती है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वीएलएसआई में, कंप्यूटर्स में। सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इंटेल के साथ आपको अच्छे मौका दिया जा रहा है। आप इनके हैदराबाद ब्रांच में काम कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास जो है वो एक्सपोजर आपको मिल सकता है VLSI डिज़ाइंस में। सो इफ़ यू आर समबडी हु हैज़ कम्प्लीटेड देयर M.Tech और B.Tech इन VLSI और इलेक्ट्रॉनिक्स देन यू गाइज कैन अप्लाई फॉर इट। आपके पास अच्छा मौका है। यहाँ पे आपको पर्क्स और बेनिफिट्स की बात की जाए सो बहुत सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकती है। बेसिकली पेड इंटर्नशिप्स रहती हैं सो आपको अच्छा खासा स्टाइफन इनकी तरफ से प्रोवाइड किया जा सकता है। अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई का बटन आपको मिल जाएगा, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इन केस अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी देन डू लेट मी नो। आप जानते ही हैं छोटी से छोटी हेल्प भी मैं आपकी प्रोवाइड करती हूँ आपको। बस उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है। आप वहाँ पे मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये तीनों इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ में से कोई एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो देन इट विल बी अ वर्थ इट। बाकी अगर कोई और तरह की आप कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई फ्री सर्टिफिकेट, कोई कोर्स या कोई जॉब, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, किसी भी तरह की एजुकेशन रिलेटेड कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए देन डू लेट मी नो। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।